खबर वाराणसी की है, जहां वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में होने वाले छात्र संघ चुनाव के लिए 30 दिसंबर 2019 को विश्वविद्यालय में दर्जनों प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया। आपको बता दें कि यह नामांकन प्रक्रिया सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक पूर्ण की गई, जिसमें छात्र नेताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और हर्षोल्लास के साथ अपना नामांकन पत्र विश्वविद्यालय में दाखिल किया। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद अध्यक्ष पद के एक प्रत्याशी सौरभ कुमार ने कहा कि वे संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिलाने की लड़ाई लड़ेंगे। सौरभ ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सर्व विद्या की राजधानी काशी में, जहां संस्कृत की धारा प्रवाहित होती है, वहां सरकार इस संस्कृत विश्वविद्यालय पर ध्यान नहीं दे रही। अब भी संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय को राज्य का ही दर्जा प्राप्त है। और उनकी लड़ाई इस विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिलाने की लड़ाई होगी। एक और विश्वविद्यालय में छात्रों के लिए यह छात्र संघ चुनाव एक त्यौहार की तरह होता है, जिसका ये छात्र हर साल बेसब्री से इंतजार करते हैं। आपको बताते चले कि विश्वविद्यालय में यह नामांकन प्रक्रिया 21 दिसंबर को ही पूर्ण होने वाली थी, लेकिन सुरक्षा कारणों के मद्देनज़र इसे स्थगित कर 30 दिसंबर को संपन्न कराया गया, जहां छात्रों व छात्र नेताओं के चेहरे खिले हुए दिखाई दे रहे थे। वहीं इस मौके पर जहां एक ओर पुलिस प्रशासन ने धारा 144 के तहत छात्र नेताओं को जुलूस निकालने से मना कर दिया, वहीं दूसरी ओर सुरक्षा की दृष्टि से विभिन्न थाने की पुलिस व अर्धसैनिक बल इस मौके पर मौजूद रहे। लेकिन सपोर्ट करने के बावजूद भी वो उसी तरह से जिस तरह निरंकुश हो जाते हैं, राजा हो जाते हैं, उसी तरह से निरंकुश थे। और सभी छात्रों ने कहा कि सौरभ भैया, जब आप सबकी मदद करते हैं तो आप चुनाव में आइए और आप ही चाहेंगे कुछ हो सकता है, क्योंकि इस विश्वविद्यालय के जितने भी अध्यक्ष हुए, जितने कर्मचारी अध्यापक हैं, ये या भगवान की कृपा कहिए या सब भाइयों का सहयोग कि हमको उस लायक बनाए हैं मजबूत, कि सभी लोग हमसे सहयोग लिए और भगवान की उसी कृपा है मैं मजबूत हूँ, चाहे जो भी बाहर से चाहे जैसे भी काम कराता हूँ लोगों का। और छात्रों ने कहा कि आप यूनिवर्सिटी के लिए लड़िए और संस्कृत जगत के लिए लड़िए, क्योंकि 1791 में इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई जब 1857 की क्रांति भी नहीं हुई थी। उसके बाद भी सर्व विद्या की राजधानी काशी में, जहाँ संस्कृत की विरल धारा प्रवाहित होती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार इसको दरकिनार करते हुए कई विश्वविद्यालय की स्थापना कर दिया और संपूर्णानंद विश्वविद्यालय भी राज्य का दर्जा ही प्राप्त है। हम पहला हमारा मुद्दा रहेगा तो केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाया जाए, और चुनाव जीतूंगा तो मैं एक आह्वान करूंगा पूरे हिंदुस्तान में जितने भी छात्र नेता हैं, छात्र हैं, सबको लेकर के दिल्ली तक पैदल मार्च करूंगा और संसद भवन को जाम करने का काम करूंगा, क्योंकि जब तक संपूर्णानंद विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं हो जाता तब तक हम लोग शांति से बैठने वाले नहीं हैं। तमाम समस्याएं हैं, यहाँ अध्यापक नहीं है, संस्कृत को लोग सिर्फ समझ चुके हैं आज के डेट में कि कर्म कांड और पूजा पाठ कराना ही संस्कृत है। उनको पता नहीं है कि चार वेद हैं, चारों वेदों की पढ़ाई होती है, ज्योतिष की पढ़ाई होती है, ग्रीक बुक में ही है, ग्रीक बुक में यहाँ पे जो ग्रंथालय है वो है ग्रीक बुक में, जिसे तमाम पांडुलिपियां पड़ी हैं, जिसको पढ़ने वाले लोग मौजूद नहीं है। हम चाहते हैं कि उस पर शोध कराया जाए, संपूर्णानंद विश्वविद्यालय में एक ऐसा आधुनिक, एक ऐसा तकनीकी वाला शोध संस्थान बने जिससे हम लोग मंत्रों पर शोध कराया जाए, और जो छात्र हितों के लिए जो भी हमसे हो पाएगा हम करेंगे। पठन पाठन आदि क्रियाएं में भी स्थगित रहती है, यहाँ पे पठन पाठन नहीं हो पाता है, सेमेस्टर का है एग्जाम चाहे वार्षिक रहे समय से नहीं हो पाता है, छात्र बहुत परेशान रहते हैं, किसी भी कार्य के लिए एक बार में नहीं हो पाता है, दो चार बार दौड़ना पड़ता है तो भी ये नहीं होता कि कार्य हो गया है, और छात्र बहुत परेशान रहते हैं। तो उस सभी समस्याओं से छात्रों का निवारण होगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि छात्र जो हॉस्टल में रहते हैं, हॉस्टल में बहुत सारी गंदगियाँ हैं, बहुत सारे इधर सीवर खुले हुए हैं, और उन सब पे ध्यान दिया जाएगा और उन सब से दूरी होगा, और छात्र में छात्र हितों के लिए जो भी हो पाएगा, हमसे जो भी लड़ाई लड़ना होगा हम उसके लिए तत्पर रहेंगे, सबसे आगे खड़े होंगे और कदम से कदम मिला के सभी छात्रों के साथ चलेंगे, और जो भी छात्रों को समस्याएं आएंगी विशेष रूप से सभी छात्रावासों में, गर्ल्स हॉस्टल यहाँ पे नवीन हॉस्टल है, सभी हॉस्टलों में जिस प्रकार की सुविधाएं होंगी, बहुत सारे लोग आते हैं कहते हैं लेकिन करते नहीं, लेकिन हम करके दिखाएंगे लोगों